हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको लेडी स्वेटर, जेंट स्वेटर, बेबी स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट पर डाल सकते हैं। ये देखिए, इसका लुक बहुत ही प्यारा आता है और इसको बनाना बहुत आसान है और खूबसूरत भी लगता है बहुत ज़्यादा। और आप इसको इस तरह से अगर शुरू करेंगे, बॉर्डर इस तरह से बनाएंगे तो इसके ऊपर ये वाला पैटर्न डालेंगे तो बहुत ही प्यारा बनकर लगेगा। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो आपको फंदे चाहिए होंगे, वो 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए होंगे। आपने 8-8 के मल्टीपल करते हुए जाना है और लास्ट में आपके पास 4 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट के ऊपर सेटल हो जाएगा। और ये डिज़ाइन 6 सिलाइयों का है। 6 सिलाइयाँ आपने रिपीट करते हुए जानी है अपने पूरे प्रोजेक्ट में। ये देखिए, रॉन्ग साइड से ये ऐसे आता है। और ये डिज़ाइन हमारा जो है सीधी साइड से शुरू होता है। तो चलिए अभी आपको बनाकर दिखाती हूँ कि इस डिज़ाइन को हम कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 20 फंदे लिए हैं। आपने सबसे पहले इसके लिए बॉर्डर बना लेना है, जो बॉर्डर आप बनाना चाहते हैं। और ये डिज़ाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होगा। तो चलिए अब इसी डिज़ाइन की हम पहली सिलाई बनानी शुरू करते हैं। पहला फंदा इसके एज स्टिच है, इसको हम ऐसे उतारेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, ठीक है, 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे। यहाँ पर हमने 6 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 6 फंदे हमने सीधे बनाए। अब इन्हीं 8 फंदों को हमने रिपीट करते हुए जाना है अपनी पहली सिलाई में। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और 6 फंदे सीधे बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट होगा। धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदे उल्टे, लास्ट में हमारे पास 2 फंदे उल्टे आएंगे, धागा पीछे, ये हमारा एज स्टिच है, इसको हमने सीधा बनाना है, ठीक है। पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अभी ये जाइए रॉन्ग साइड, और ये डिज़ाइन की दूसरी सिलाई है। इसको हमने कैसे करना है, पहला फंदा एज स्टिच है, इसको हम ऐसे उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, जो फंदे हमने सीधी साइड से उल्टे बनाए हैं वो हमने यहाँ पर रॉन्ग साइड पर सीधे बनाने हैं। 2 फंदे सीधे बनाएंगे, अभी धागा अपनी ओर करेंगे, और जो फंदे हमने यहाँ पर सीधे बनाए हैं वो रॉन्ग साइड पे हमने उल्टे बनाने हैं, और 6 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे, लास्ट में 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी ओर, ये एज स्टिच हमारा उल्टा। अब ये जाइए सीधी साइड और डिज़ाइन की तीसरी सिलाई। एज स्टिच को हमने ऐसे उतारा, धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे। अभी इन 6 फंदों पे हमारा पैटर्न आएगा। 1 फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे, ठीक है, अब इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, ऐसे आगे से सिलाई डालेंगे, ऐसे 2 का 1 बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे एक बार धागा लपेटेंगे, 1 फंदा हमने बढ़ा लिया क्योंकि यहाँ पर हमने 2 का 1 किया था। एक बार फिर से हम ऐसे धागा लपेटेंगे, हमारे यहाँ पर 2 फंदे बढ़ गए, यहाँ पे हमने 1 फंदा कम करना है और इनको दोनों को 2 का 1 बनाना है। इस फंदे को ऐसे उतारेंगे पलट कर ऐसे, और बैक से 2 का 1 बनाएंगे ऐसे,
ठीक है, ये देखिए दो फंदे हमारे कम हुए, यहाँ पर दो का एक किया और यहाँ पे दो का एक किया और दो फंदे हमने बढ़ा लिए और एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर हमारे छः के छः फंदे हैं, ना कोई फंदा कम हुआ ना कोई फंदा बढ़ा। यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे धागा अपनी ओर, दो फंदे उल्टे एक दो, ठीक है, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, इन दो फंदों को दो का एक करेंगे, इस तरह से आगे से सिलाई डालेंगे और दो का एक बनाएंगे, ठीक है। ऐसे दो बार धागा लपेटेंगे, एक फंदा हो गया यहाँ पे, फिर से लपेटेंगे, यहाँ पर दो फंदे हो गए, ठीक है। अब इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, पलटेंगे और बैक से इन दो फंदों को दो का एक बनाएंगे और इस फंदे को सीधा, धागा अपनी ओर करेंगे, दो फंदे उल्टे एक दो, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। ये देखिए हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अभी ये जाइए रॉन्ग साइड और डिज़ाइन की हमारी चौथी सिलाई। इस फंदे को वैसे उतारेंगे, ये हमारा एज स्टिच है, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे एक दो, दो फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी ओर करेंगे। ये देखिए यहाँ पर अभी हमने छः फंदे उल्टे बनाने हैं, कैसे करेंगे, एक और ये दो, ये देखिए दो फंदे उल्टे बनाए और जो फंदे हमने दो यहाँ पर ये देखिए जाली से बनाए हैं, इनको हमने उल्टा बनाना है। किस तरह से, देखिए ऐसे करके इसको ऐसे बैक से सिलाई डाल लेंगे, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, एक जाली को हमने उल्टा बना लिया। अभी ये सेकंड वाली जाली आ गई, इसको भी हमने ऐसे एक लेना है, वापस ऐसे लेना है इस तरह से और उल्टा फंदा, ठीक है, ये देखिए। और अभी पाँच और ये छः, देखिए छः फंदे हमारे उल्टे आ गए, एक दो तीन चार पाँच छः, दो फंदे सीधे छः फंदे उल्टे। फिर से रिपीट करेंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे एक दो, धागा अपनी ओर, एक दो। अभी इसको हमने कैसे बनाना है, ये देखिए ऐसे लेंगे, ऐसे वापस डाला और इसको उल्टा बना लिया। देखिए तीन फंदे उल्टे हो गए, इसको वैसे डालेंगे सिलाई को, ऐसे इसको घुमाकर वापस ले लेंगे इस तरह से और इसको हमने उल्टा बना लिया, ठीक है। देखिए चार फंदे हो गए, ये पाँच और ये छः, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, लास्ट का फंदा है जिस स्टिच हमारा उल्टा। अभी आ जाइए सीधी साइड और डिज़ाइन की हमारी पांचवी सिलाई। एज स्टिच को ऐसे उतारेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, दो फंदे उल्टे एक दो, धागा पीछे करेंगे। अब इन दो फंदों को, ये वाले दो फंदे हैं, इनको हमें दो का एक बनाना है, आगे से सिलाई डालेंगे ऐसे और दो का एक बनाएंगे, ठीक है। धागा अपनी ओर करेंगे, यहाँ पर इन दो फंदों को सीधा बनाएंगे, एक दो, धागा अपनी ओर करेंगे, जाली देंगे यहाँ पर और अभी इन दो फंदों को दो का एक करना है। इसको ऐसे उतारा, पलटा, वापस लिया और इन दो फंदों को बैक से जाली देते हुए दो का एक किया। ये देखिए ये हमारे छः के छः फंदे हैं, ना कोई कम हुआ ना हमारा यहाँ पर फंदा कोई बड़ा। रिपीट होगा फिर से पैटर्न, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, इन दो फंदों को दो का एक करेंगे इस तरह से, दो का एक किया, धागा अपनी ओर किया, दो फंदे सीधे एक दो, ठीक है, धागा अपनी ओर किया, जाली देंगे यहाँ पर, इसको ऐसे पलटा, इस तरह से वापस लिया और जाली देते हुए बैक से इन दो फंदों को दो का एक बना लिया, ठीक है। धागा अपनी ओर, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एज स्टिच हमारा सीधा। अभी ये जाइए रॉन्ग साइड और डिज़ाइन की हमारी छठी सिलाई। सिक्स रो रॉन्ग साइड से, एज स्टिच को ऐसे उतारा, धागा पीछे करेंगे, इन दो फंदों को सीधा बनाएंगे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, छह फंदे उल्टे। धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, छह फंदे उल्टे।
धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी ओर, लास्ट का फंदा एज स्टिच हमारा उल्टा। ठीक है, ये देखिए हमारी छह सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, ऐसे आया है हमारा ऐसे पैटर्न। ये देखिए इन छह सिलाइयों को आपने रिपीट करते हुए जाना है अपने पूरे प्रोजेक्ट में, तो आपका इस तरह से ये वाला पैटर्न बनता हुआ जाएगा। बहुत ही प्यारा बनता है, बहुत प्रिटी लगता है बना हुआ। आप भी इसको एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज का डिज़ाइन अच्छा लगा हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।